खादिम हज़रत, जनाब अहमद सुल्तान साहब ने एक सवाल भेजा, इंग्लिश में है ये। शायद हम आदतन, सवाल ये है कि जो इस दौर के दौरे इब्तला में अगर हमारी वापसी मुमकिन ना हो तो हम किस किस्म के तालीमात और असरात से इसको मुमकिन कर सकते हैं, किस किस्म की रेमेडीज आर अवेलेबल एंड अडॉप्टेबल टू अस टू पुट एन एंड टू ऑल द सिचुएशन। बट फ्रैंकली टेलिंग यू, मेरा ख्याल ये है कि दौरे हाजर मसाइब को इबलाग बख्श रहा। दौरे हाजर में इंसान मुसीबतों को बलूगत दे रहा है। परहैप्स दे वर नॉट सो बिग इन द बिगनिंग। आज से 25-30 बरस पहले हमारे बूढ़े इतने शोर मचाने वाले नहीं थे, हमारे जवान इतने तेज चलने वाले नहीं थे, हमारी ख्वातीन इतनी एग्जिबिट्स वाली नहीं थी, हमारे अनपढ़ इतने वाहियात नहीं थे, हमारे पढ़े लिखे इतने गए गुजरे नहीं थे, बहुत सारे अफसाने जो पहले थे ऐसे नहीं थे। सडनली ये जो रफ्तार आई है, ये रफ्तार शिजोफ्रेनिक दीवानगी है। एक काफिला है इंसान जो करीबन 18,000 से चल रहा था, 18,000 साल में उसमें क्या वसफ पैदा हुआ? एक तोप, चाइना ने गन पाउडर इजाद किया और रोमन्स इन नेफ्टा का ऑयल दरियाफ्त किया, पहिया लगा, रथें थी, घोड़े थे, गधे थे और साहिबान गधा थे, बस यही कुछ। तो ख़ाजिन हज़रात, हम देखते हैं कि 18,000 ये तहजीब कायम रही। सडनली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दम से जैसे वक्त को सुम लग गए हो कि ऐ सवारे अशब दौरा बया, ज़माना हाथ से निकल गया, न हाथ बाद पे है ना पा है रकाब में। इतनी तेज़ रफ्तारी से वक्त रवाना हुआ कि इंसान अपनी जिस्मानी अहलियतों से ज़माने के बहुत पीछे रह गया। बजाय इसके कि वो ज़माने को डिक्टेट करे, अब ज़माना उसे डिक्टेट करना शुरू हो गया। मगलूब ज़मा ये इंसान इस वक्त असर हाजर में सबसे ज़्यादा मुस्तरिब, बेचैन, बेकरार इसलिए है कि इसकी पेस जो है माइंड की, वो वक्त की पेस के बराबर नहीं है। आपको पता है कि जब एक फ़र्द में पेस तेज़ हो जाए और हकायक से गुरेज शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया तख्लीक हो गया, डिल्यूजन तख्लीक हो गया, प्रैक्टिकल और परसेप्शन में फ़र्क पड़ गया। आज का इंसान इज्तमाई तौर पर शिज़ोफ्रेनिक हो चुका, दीवाना या मिसल दीवाना। और ये हमारे हाथ से बात निकलती जा रही, तो आपको पता है कि पुराने लोग और ताज़ा डॉक्टर्स जो हैं दीवानगी का इलाज क्या करते थे? पुराने लोग उल्टा टांगते थे आदमी को, नीचे मर्चों की धुनी देते थे, मुसलसल जूतियाँ लगाए जाते थे। जब उसको पता लगता है कि ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं मर जाऊँगा, तो वो साफ साफ बता देता कि मेरा जिन निकल गया। आज का डॉक्टर जो है सिंथेटिक गैस उगा दे, इंतहाई पंजेंट और तकलीफ दे। मैंने अपने आप खुद देखा कि हिस्टारिक केस को एक खुराक काफ़ी होती, उसके नाक में दे देते हैं, दूसरी मरतबा वो लेने की जरूरत नहीं करती। इतनी अजियतनाक और इतनी खौफनाक वो दवा होती है कि वो दोबारा टॉयलेट। खातिनो हजरात, तीसरा तरीका है कि जो मरीज़ बहुत बिगड़ जाए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देते, चाहे सोया रहे। यानी जहन की स्पीड कम करना, तमा या ख्याल तोड़ दो या नींद आ जाए, सो जाओ तब भी ख्याल टूटेंगे। तो आजकल ज़माना इस तेज़ रफ्तारी से शिज़ोफ्रेनिक हो गया है कि अब इसको ये तीनों इलाज चाहिए, पुराना भी नया भी, जूतियाँ भी चाहिए,
बिजली के झटके भी चाहिए और इसको बड़ी तवील नींद और स्लम्बर भी चाहिए। और खातिनो हजरात, ये असर दज्जाल है, पेशिनगोयां मौजूद हैं, बड़ी जल्दी इसको इसके सबक मिलने वाले हैं। चाह के वो चंद लोग इल्ला इबादे इल्ला इल मुखलसे।